गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमने कल किया, आज का टॉपिक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज ऑल्सो एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी द डिस्टेंट इमेजेस ऑफ distant objects like heavenly bodies, like stars, planets, etc. Dear students, जो astronomical telescope है ये भी एक optical instrument है जिससे हम दूर की चीजों को हम पास देखते हैं, जैसे कि stars को, planets को, etc. याद रखना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग द डिस्टेंट इमेजेस ऑफ हेवनली बॉडीज लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स एटसेट्रा। ठीक है बेटा, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन मैं आप लोगों को बताता हूं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जो कंस्ट्रक्शन है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मेनली कंसिस्ट्स ऑफ टू कन्वेक्स लेंसेज, जिनको कन्वर्जिंग लेंसेज भी बोलते हैं। एक कन्वेक्स लेंस विच हैज लार्ज एपरेचर एंड लार्ज फोकल लेंथ, इन दिस केस इज ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्ट की तरफ है, एंड ए कन्वेक्स लेंस विच हैज स्मॉल अपरेचर एंड स्मॉल फोकल लेंथ इज कॉल्ड आई लेंस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता था, आई लेंस बड़ा होता था। इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है, आई लेंस छोटा होता है। अच्छा बेटा, एक एक्सिस जो दोनों से पास होती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये है इनके ऑप्टिकल सेंटर्स। देख लीजिए, एक एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मेनली कंसिस्ट्स ऑफ टू कन्वेक्स लेंसेस विच आर द कन्वर्जिंग लेंसेस। कन्वेक्स लेंस विच हैज लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपरेचर इज द ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड द स्मॉलर कन्वेक्स लेंस विच हैज स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपरेचर इज आई लेंस। दीज टू लेंसेज आर फिटेड एट द टू एंड्स ऑफ टू कोएक्सियल ट्यूब्स। ठीक है बेटा, ये आ गई इसकी कंस्ट्रक्शन। अब मैं जो आप लोगों को यहां पर दिखा रहा हूं, डेट इज रे डायग्राम। रे डायग्राम है ये, अंडरस्टैंड कर दीजिए बेटा। रे डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, जैसे स्टार्स है, प्लैनेट्स है, वहां से आप लोगों को रेज ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ रेज। इधर देख लीजिए, पैरेलल बीम ऑफ रेज जो लानी है, ये लानी है इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से आएंगी ये पैरेलल बीम ऑफ रेज विच मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बेटा, जब ये कन्वेक्स लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस में से पास होंगी, ये क्या करती है, इसको आप लोगों को फॉरवर्ड करना है ऐसे। और इधर देख लीजिए, जब कन्वेक्स लेंस से ये कन्वर्ज करेगी और दोनों ने मीट किया यहां पर, जहां पर इन्होंने मीट किया वहां पर बेटा बन जाएगी एक रियल इमेज इस ऑब्जेक्ट की। मान लीजिए स्टार है या कोई प्लेनेट है, इसकी इमेज बनेगी। याद रखना बेटा, इसकी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। ये बन गई उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज। ठीक है, ये इमेज इस लेंस के लिए, आई लेंस के लिए एक्ट करेगी एज ऑब्जेक्ट। ये इमेज जो है बेटा, ये एक्ट करेगी इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस आई
इस लेंस के लिए एज ऑब्जेक्ट। तो यहां से भी हमें दो रेज डालनी पड़ती है, एक ऑप्टिकल सेंटर से जो पास डायरेक्टली हो जाएगी और एक आई लेंस से। तो ये हो गया एफ ई, ठीक है बेटा, फोकस। तो इनको आप लोगों को क्या करना है बेटा, ये बैकवर्ड लाना है, ऐसे बैकवर्ड करना है और इसको भी बैकवर्ड करना है। जहां पर ये मीट करेंगे, ठीक है, वहां पर बन जाएगी इमेज, फाइनल इमेज। ए डबल डैश बी डबल डैश, ये बन गई हमारे पास फाइनल इमेज। ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पर था लेकिन ये बन गई उसकी, पहले इसकी इमेज इतनी बनी ए डैश बी डैश, जो फाइनल इमेज है दैट इज इन्वर्टेड, दैट इज वर्चुअल एंड इज मैग्निफाइड, ए डबल डैश बी डबल डैश, ये फाइनल इमेज है। तो आप लोग देख लीजिए, ये एंगल जो है जो आई पर बनता है इट इज कॉल्ड बीटा, ठीक है, ये मैंने परसों भी बताया था। और आप सबको पता है जो ये वाली इमेज ए डैश बी डैश, याद रखना बेटा, ये बनता है, ये एफ ओ है, ये एफ ओ पर बनता है। इस तरीके से इसमें एडजस्टमेंट, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो है, यहां से यहां तक तो डी है, यहां से यहां तक, लेकिन यहां से यहां तक जो है इट इज यू ई, ठीक है बेटा। लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक जो डिस्टेंस है इट इज एफ ओ, यहां तक बिल्कुल। ये जो एडजस्टमेंट इस तरीके से करनी है ताकि ये जो इमेज है ये किस किस के बीच में आए, ऑप्टिकल सेंटर सी टू और एफ ई के बीच में, तभी ये फाइनल वर्चुअल इमेज बनेगी ए डबल डैश बी डबल डैश। लेकिन ये ए डैश बी डैश बनती है प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये प्रिंसिपल, ये जो इमेज है ए डबल डैश बी डबल डैश, ये बेटा किसके बीच में आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर एफ ई, ऑप्टिकल सेंटर सी टू और फोकस एफ ई, याद रखना बेटा। तो ये जो चीजें हैं आपके सामने हैं, इसको बोलते हैं रे डायग्राम, ठीक है बेटा। रे डायग्राम के बाद आप लोग देख लीजिए, तो रे डायग्राम के बाद अब आप लोगों को मैग्नीफाइंग पावर में आप लोगों को समझाता हूं इसका। ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर। कल मैंने आप लोगों को समझाया था मैग्नीफाइंग पावर किस तरीके से डिफाइन करते हैं, द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई पीस, हो गया बीटा, ये भी अगर ये अल्फा है ये भी अल्फा है, द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, याद रखना। मैग्नीफाइंग पावर होता है बीटा अपॉन अल्फा। व्हाट इज बीटा, एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट आई पीस to the angle subtended at the eye by the object when both are at least distance of distinct vision, ठीक है। अब this is equation number first, ठीक है। अब अल्फा और बीटा फाइंड करना है हमें, to find alpha and beta। अल्फा और बीटा फाइंड करने के लिए याद रखना बेटा, m मैग्नीफाइंग पावर हम क्या करेंगे, बीटा को हम लिखेंगे टैन बीटा और टैन अल्फा, क्योंकि टैन बीटा, व्हेन टैन बीटा एंड टैन अल्फा आर स्मॉलर देन दे कैन बी रिप्लेस्ड बाय व्हिच इज इक्वलेंट टू बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल। तो किस किस के बराबर रखा, टैन बीटा, बीटा को रिप्लेस किया टैन बीटा से, अल्फा को रिप्लेस किया टैन अल्फा से। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ टू फाइंड टैन बीटा एंड टैन अल्फा,
इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी टू, ए डैश बी डैश सी टू मिल रहा है टेन बीटा, टेन बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश, बेस है सी टू बी डैश, सी टू बी डैश, ठीक है बेटा। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी वन, ए डैश बी डैश सी वन टेन अल्फा, टेन अल्फा, डायग्राम अच्छी तरीके से देखनी है। टेन अल्फा होता है फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश फिर से अपॉन सी वन बी डैश, सी वन बी डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। यूजिंग द वैल्यूज ऑफ थर्ड एंड फोर्थ इन सेकेंड, मैग्निफाइंग पावर क्या आएगा बेटा, शाबाश, टेन बीटा के बजाय क्या लिखेंगे ए डैश बी डैश अपॉन सी टू बी, सी टू, सी टू बी डैश है ये बेटा, सी टू बी डैश और डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश अपॉन सी वन बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश कैंसल, सी वन बी डैश अपॉन सी टू बी डैश, ठीक है। तुम लोग खुद बता दीजिए साइन कन्वेंशन लगा के, सी वन, सी वन बी डैश है एफ ओ, सी वन बी डैश कितना है एफ ओ, हो गया एफ ओ सी वन बी डैश, सी टू बी डैश माइनस यू ई इस साइड माइनस यू ई, ठीक है याद रखा बेटा। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा एम पी मैग्निफाइंग पावर माइनस एफ ओ बाहर लिखूंगा वन अपॉन यू ई ऐसे, दिस इज इक्वेशन नंबर फिफ्थ। नाउ टू फाइंड वन अपॉन यू ई, वन अपॉन यू ई फाइंड करने के बाद वो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें निकलेगा मैग्निफाइंग पावर, ठीक है बेटा। तो सबको पता है फ्रॉम लेंस फॉर्मूला From Lenz formula, वन upon, शाबाश बेटा, V minus वन upon U is equal to वन upon F. For here, for eyepiece here, शाबाश, V is equal to minus D, V is equal to minus D, U is equal to minus UE. ये जो U है माइनस यू ई है, V जो है ये माइनस डी है, फॉर्मूला क्या बनेगी, शाबाश बेटा बता दीजिए फॉर्मूला क्या बनेगी, ये बनेगा वन अपॉन V के बजाय माइनस डी, माइनस वन अपॉन माइनस यू ई इज इक्वल टू वन अपॉन F, F का मतलब हो गया एफ ई, F इज इक्वल टू एफ ई आई लेंस के लिए, F इज इक्वल टू एफ ई हो गया वन अपॉन एफ ई, ये हो गया माइनस वन अपॉन डी, माइनस माइनस प्लस वन अपॉन यू ई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ई, वन अपॉन यू ई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी, ठीक है बेटा। अगर मैं वन अपॉन यू ई को ऐसे लिखूंगा, वन अपॉन एफ ई कॉमन निकालूंगा, यहां पर आएगा वन प्लस एफ ई यहां पर आएगा डिवाइडेड बाय डी, क्योंकि वन अपॉन एफ ई को मैंने बाहर निकाला कॉमन निकाला, इसको मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा, इसको मल्टीप्लाई एफ ई कैंसल,
फिर से 1/d आएगा, ये आ गया 1/, शाबाश बेटा, 1/UE। 1/UE का वैल्यू इक्वेशन 5th में सबस्टिट्यूट कर दीजिए, सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 1/UE इन इक्वेशन 5th, वी गेट मैग्निफाइंग पावर कितना आएगा बेटा, -FO इंटू 1/FE, ये 1+FE/D, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -FO/FE, ये वाला 1+FE/D, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मैग्निफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। याद रखा बेटा, याद रखा, क्या बोलते हैं इसको, मैग्निफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये आप लोगों के पास ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी समझना है आपको। थैंक यू।